सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश शर्मा पाड़ी बाय नेचर। शुरू करते हैं आज का अपना नया दोस्तों। सवेरे सवेरे शुरुआत हो रही है यीशु के साथ स्कूल जाते हुए, और आपको तो पता ही है यीशु स्कूल जाएगी तो घर में क्या होगा। घर में हो रहा है हंगामा, और ये मुझे बड़ा घूर के देख रही है और ब्रेड भी खा रही है अपना। इसके ब्रेकफास्ट में आज से ब्राउन ब्रेड विद जैम लिया हुआ है। मजा आ रहा है। सो गाइस, जैसे कि आपको बताया कि दिल्ली में हुई जबरदस्त भयंकर बारिश, और इस लड़की का दिखाऊं आपको क्या कर रही है लड़की। इस लड़की ने कल क्या किया पता है दोस्तों? ये लड़की कल अपने फ्रेंड से, इसका जो बेसिकली स्कूल है, स्कूल से लेके इसकी जो वैन है, इसकी जो बस आती है, उसके बीच में करीबन 100-150 कदम है। तो वहाँ से लेके यहाँ पर जब बारिश थी, इस लड़की ने क्या किया पता आपको दोस्तों? इसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ, तीन इसके दोस्त है, क्या नाम है? अदिति, विष्टि और ये तीनों के तीनों लड़कियां चलती हुई वहां बस तक पहुंची। उससे पहले उन्होंने क्या किया आपको दिखा दी। ये देखो दोस्तों, उसके शूज है, स्कूल के शूज हैं, और इसे लड़की ने क्या किया, अपने शूज को उठा, अपने शूज में से बच्चे ना पानी से, जहाँ गड्ढा है जहाँ पानी पड़ा हुआ है, वहाँ छपाक करते पूरे शूज भिगा दिए, पूरे के पूरे शूज, सॉक्स भिगा दिए। और आज स्कूल जाने के इसके शूज जो है ना, वो ये पहन के जा रही है। देखो, आज स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा रही है, क्योंकि वो पूरे गीले हो चुके हैं। और इसने बताया भी नहीं मुझे कि पापा वो गीले हो चुके हैं। मैं जब नीचे आके इसके शूज़ उठा के जब साफ करने लगा, तो पता लगा कि भैया तो गीले हो। इस लड़की को देखो, अब कोई फिफ्थ क्लास की लड़की को कोई बताएगा कि बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए? अब देखो, ये देखो भाभी, अब इसकी हालत ये है। अब इसे बोलो तो मेरे से लड़ाई कर रही है, आंखें देखो इसकी। दोस्तों एक बात बताना आपको, इस लड़की को देख के आपको लगेगा ये लड़की जैसे एक आजकल एक सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स में वेनसडे, उस लड़की की तरह नहीं दिख रही है? देखो आप ध्यान से देखो उस लड़की को, ये देखो स्टाइल देखो उस लड़की, बाप रे बाप, गजबी। आप कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम? है अमेरिका? गाइस ये अमेरिका से है, आपको पता है ये इंडिया में रहती है पर आई अमेरिका से है। आप अमेरिका से आए थे? पहले तो बोलते थे जब गाइस छोटी थी ना, तो बोलती थी मैं जापान से आई हूँ, और आप बोल रही हूँ अमेरिका से आई हूँ। आपने मेरा सरनेम ही पूछा। आपका सरनेम क्या है? एडम्स। एडम्स? अरे ये क्या बोला तूने? ये एडम कैसे हो गए यार? भैया शर्मा बहुत तेज हो रहा है। सो गाइस को स्कूल भेजते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दरवाजे में गाइस कोई है, देखते हैं कौन है। ये यीशु का आने का टाइम तो गाइस हो गया, पर इसकी गाड़ी की आवाज़ तो नहीं है। यीशु तो नहीं है, फिर कौन है? ओए गाइस, ये कैसे आ गई? ओए तू कैसे आ गई रे इतनी जल्दी? है कैसे आज को ट्रैफिक जैम नहीं मिला? अरे वाह। सो गाइस फाइनली यशस्वी आ गई है स्कूल से। तो गाइस ये बड़ा सरप्राइज हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तो टाइम था कि 2:30 तक आ जाती है, पर आज थोड़ा जल्दी आ गई है, सरप्राइज हो गया। सो गाइस जल्दी से यशस्वी को इसको फ्रेश वेश करते हैं। ये देखो गाइस आते साथ अभी डांस कर रही जा रही है। ये देखो आते साथ बस, ये देखो पकड़ लिया मेरा कैमरा। सो गाइस जल्दी से इसको बोलते कि फ्रेश हो जाएगी, अभी भी नाच रही है। देखो अभी फिर नाच रही है। हम एक काम करते हैं, जल्दी से इसको बोलते हैं फ्रेश हो जाओ, स्कूल से आ गई है, फ्रेश हो जाएगी। उसके बाद फिर बाला में डांस कर रही है, इसी करके दिखा दे, कर चल दिखा देना। स्कूल जाने के बाद कौन करता है भाई साहब? यार ये भगवान कहाँ से आई है, बच्चा कौन है बच्चा? इसको जल्दी से सर गाइस इसको भेजता हूँ, मशरूम फ्रेश होगी, इसको लंच कराते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद पापा मैं अपनी वाइट कलर की आइटम से जा रहे हैं कहीं, तो पापा ये ड्राइविंग कर रहे हैं। हाय गाइस,
तो दोस्तों आज हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, अपनी वाइट वाली आई टेन को बाहर निकाला है मैंने, 2 महीने बाहर निकाल पा रहा हूँ। मैं इसको चला नहीं रहा था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चला भी लेंगे। नीतू ने गाइस एक गमला खरीदा है, जो गमला एक्चुअली बड़ा हो गया है साइज़ में, वो उसकी स्कूटी में नहीं आ रहा है। सो उसने बोला प्लीज़ आप आ जाओ मुझे, क्या कहते हैं, बाहर से जहाँ से गमला। उसके साथ उसकी फ्रेंड आती है, उसकी फ्रेंड को जहाँ जहाँ तक ड्रॉप करना है ना, वहाँ तक तो उसकी फ्रेंड ले आएगी उसको पीछे रख के, बट उसके बाद वो लेके नहीं आ पा रही। तो इसलिए मैं और ईशु आए घर से, और अभी हम वो गमला, नीतू आने वाली है शायद, पीछे भी पहुँची नहीं पहुँची पता नहीं, आ जाती है तो वो देखते हैं। हाँ नहीं आई अभी, हम उसका वेट कर लेते हैं साइड पर लगा गाड़ी, और आती है गमला उसको रख के फिर हम घर जाते हैं। सो हे गाइस, फाइनली पहुँच गए घर, और घर में आके आपको मैं दिखाता हूँ हमने क्या लिया। नीतू जो हम बता रहे थे आपको वो हमने क्या लिया, तो हमने लिया है गमला जिसमें यहाँ पे आप दिया लगाने के लिए भी जगह है। तो दोस्तों हो क्या रहा था ना, जब भी हम इस गमले में दिया लगा रहे थे तो दिए की हीट की वजह से हमारी तुलसी जो है सूख जा रही थी बार बार, तो 2 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका था। फाइनली डिसाइडेड कि हम लोग गमला चेंज करते हैं, हमने गमला इसलिए यहाँ पे तुलसी लग जाएगी और यहाँ पे हम लोग दिया जला पाएंगे। तो अभी आजकल दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हमारे ना पेड़ सूख रहे थे, तो मैंने इन सबको इकट्ठा कर दिया यहाँ पे और थोड़ा सा इनको पानी दिया, तो थोड़े से हमारे पेड़ बच गए दोबारा से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैं लगाता हूँ हमेशा पेड़ अपने जो अपने बनी प्लांट से, वह ले लिए यहाँ पे कुछ हमने गमले ले लिए यहाँ पे। सो ये एरिया पूरा जो है दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रीनरी करने वाला हूँ, इसलिए क्या पूरा नीचे ग्रीन ग्रास जो आजकल कारपेट आता है वो लग जाएगा, और चीज़ें धीरे धीरे करके चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे भी होती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीतू ऑफिस से आ चुकी है, हाय कर दो। सो गाइस टाइम हो चुका है करीबन 8:10 हो चुके हैं, नीतू यहाँ पे है, यशस्वी यहाँ पे है। सुनो, हाँ क्या हुआ, हमारी एक वीडियो थी ना जो आप कह रहे थे क्या कि 1 लाख से 1 लाख होने वाला है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, हाँ मैं आपको एक साथ शेयर करने वाला था, बताने वाला क्या हुआ उसमें, ये देखो। ओ मागू दोस्तों देखो ये वाला हमारा वीडियो, दिखाओ 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 दिखाओ, अरे यार ग्रेट दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है हमारा 1,06,503 व्यूज। अरे भाई क्या बात है दोस्तों, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से हुआ है, एंड इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों ये हमारे लिए है बहुत ही ज्यादा खुशी की बात कि आज हमारे हमारी पहली वीडियो, एक ये फर्स्ट वीडियो है जो 1 लाख को पार कर गई है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैं देखा था 1 लाख भी पूरी नहीं हुई थी दोस्तों, मुझे लगा था 1 लाख होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप लोग इतनी जल्दी इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी और इतना ज्यादा इसका व्यूज हो जाएंगे, मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी जल्दी। बोलो सब्सक्राइबर, हाँ दोस्तों सब्सक्राइबर, अरे कितना हो गया हमारा 1.12K, आप लोगों की वजह से बहुत ही स्पीड से हुआ है, और हम मुझे सिर्फ प्रॉपर वीडियोस करने में सिर्फ 2 मंथ जहाँ से 2 महीने है ना, हाँ नहीं तो कितना 2 महीने ना, 2 मंथ ना, तो अप्रोक्सीमेटली था गाइस हमको सिर्फ 2 महीने लगे। जब मैंने वीडियोस, तो गाइस में आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे ना, तो मैं वीडियोस पहले कर डाल देता था सिर्फ शौकी तौर पे, मतलब मेरी पर्सनली मैं हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत जगह में घूमता हूँ, और दोस्तों मेरी आदत जो व्लॉगिंग की है ना, ये आज से करीबन 2006-07 से मैं मतलब हम ट्रैवल, दोस्तों ट्रैवल तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, शादी से पहले बहुत ज़्यादा हम हर साल न्यू ईयर में मेरा फ्रेंड का हमारा ग्रुप है दोस्तों का, हम लोग जाते रहते थे घूमने फिरने के लिए, तो हम लोग वहाँ करते थे, हम लोग व्लॉगिंग करते थे, मैं वीडियोस बनाता था, पर मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम लोग अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, उस टाइम भी माध्यम नहीं था। फिर उसके बाद मैं जॉब में लग गया तो सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अब मैं जब अपने बिजनेस में आया थोड़ा सा, फिर जब लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा समय मिल पाया मुझे, तो मैंने बोला कि जब मैं व्लॉगिंग ही करता हूँ लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला कि दिनेश आप अच्छा कर रहे हो, सो आप क्यों ना इसको आप यूट्यूब अपने यूट्यूब में इसमें अपलोड क्यों नहीं करते हैं? तो गाइज मैंने अपलोड करना रोज शुरू किया, और आप लोगों का देखिए प्यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है नीतू, है ना, इतनी जल्दी जल्दी हमने सोचा था कि कभी हमने, तो गाइज जब हमने शुरू किया था ना, तो मेरे मात्र 135 सब्सक्राइबर थे, ओनली 135 सब्सक्राइबर, और ये इतनी जल्दी 2 मंथ्स के अंदर 1.12K, और मेरे लिए तो गाइस मतलब क्या बोलूँ, है ना इशू, हम लोगों के लिए कितनी बड़ी अब है, कितना बड़ा अच्छा हुआ है कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कभी कि हम कभी इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, और जिस तरीके से आप लोग हमको प्यार दिखा रहे हैं, मुझे पता है एक दिन ये 1.12K
कि आगे 0-0-0 बढ़ते रहेंगे और आप लोगों का प्यार बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों करते करते 1 करोड़ हो जाएंगे। yeah. बात करी थी ना आपसे डॉगी डॉगी नहीं फिर है गाइस इसको ना पता नहीं क्या हो रखा है आजकल, ये बोले सिल्वर प्ले बटन हमें चाहिए जल्द से जल्द। तो गाइस इसको अभी छोटा बच्चा है बेटा, अभी टाइम लगता है चीज़ों को दोस्तों, अभी छोटा बच्चा है ना इसको इतना चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं इसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें। तो मैं व्लॉग जरूर करता हूँ पर मैं इसको कभी भी पढ़ाई के बीच में हमारा व्लॉगिंग नहीं आने देता हूँ। व्लॉग भी हो रहा है पर इसको मैं एजुकेट भी करता रहता हूँ, दोनों को कॉम्प्रोमाइज दोनों को इक्विलेंट लेके चल रहा हूँ। तो हमारा तो हम लोगों को दिक्कत नहीं, इशू भी अच्छी पढ़ाई भी कर रही है, अच्छी अच्छी ढंग से सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिन पर दिन मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती जा रही है और मुझे दोस्तों इसी की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम शायद अच्छे ट्रैक पर हैं, अच्छा कर रहे हैं। सो दोस्तों प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार दिन पर दिन बढ़ाते रहिएगा। नीतू ने अभी डिनर रेडी कर दिया है, डिनर में आज हमने बनाया है कद्दू की सब्जी, रोटी रेडी है, भी अंदर अभी पढ़ाई कर रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। सो दोस्तों आज का जो ऐसा दिन था आप साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप हमेशा करते हुए जा रहे हैं दोस्तों।